देखो जनता तो इनसे नाराज है, ईमानदारी से तो ये चुनाव हारेगी सरकार और बेईमानी से चुनाव जीतेगी। तो मतलब आपने हरा भी नहीं जिता दिया। अरे मैं अच्छा बताओ, जिला पंचायत में यहाँ पर सब मीडिया के लोग हैं, चोरी जैसा तो काम नहीं पकड़ा ना जाए, उससे बढ़िया तो काम नहीं, रात रात में बहुत माल आ जा भाई, सर्टिफिकेट जीत का ही तो देना, उसकी वोटिंग की बात ही नहीं है। जो जिला पंचायत में हुआ अगर हाल वो होगा तो फिर तो इनको कौन लग रहा रहने, और जनता इनको वोट देती नहीं। आप कह रहे बेईमानी से अगर सरकार आएगी बेईमानी आएगी, आप यहाँ कह रहे हैं कि सरकार बनेगी लेकिन बेईमानी से बनेगी? नहीं हमें नहीं पता, अगर बेईमानी ना हुआ। आप हर सेकंड में तो अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं, दोनों हाथ में लड्डू जा रहे हैं, इधर जीत जाए तो भाजपा, इधर जीत जाए वो, क्लियर स्टैंड तो करिए ना कि स्टैंड क्या है। 7 तारीख का बयान देंगे उस पे, बेईमानी रोकने का 7 तारीख में बयान देंगे। कैमरा आ रहा है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, योगी जी की बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ हम चुनाव की भविष्यवाणी करने नहीं आए, हमारा काम नहीं, मैं पिछले जन्म में किया करता था, ये हमारा आज का काम नहीं। दूसरा, ये कोई पहली बार नहीं है कि हम इस तरह की अपील लेके जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ था हमने एग्जैक्टली यही अपील तब भी की थी, हमने कहा था किसान विरोधी भाजपा को सजा दीजिए। तब भी हमारे साथियों ने पूछा था तो आप क्या तृणमूल की तरफ से आए हैं, वाम पक्ष की तरफ से आए हैं, कांग्रेस की तरफ से आए हैं, हमने तब भी हाथ जोड़ के कहा था लेकिन ये हमारा काम नहीं है। प्रमुख विपक्षी पार्टी होगी, लाभ उसी को होगा अगर आप अपील करेंगे बीजेपी को सजा देने की। ये कयास लगाना आपका काम है, आप मेरे से बेहतर लगाते हैं। हमारा काम केवल किसान को, देश भर के किसान का संदेश उत्तर प्रदेश के किसान तक पहुंचाना है कि इन लोगों ने पूरे देश के किसान की पगड़ी उछाली है, इन्होंने विश्वासघात किया है, इन्होंने आपके जले पे